इंदौर शहर के झिंसी क्षेत्र में रामदास बाबा का सिद्ध मंदिर है। पिछले 31 वर्षों से यहां के रामदेवरा के लिए यात्रा निकाली जाती है। ओम प्रकाश खत्री पहलवान ने बताया कि इंदौर से लगभग 1000 किलोमीटर लंबी यह यात्रा पैदल ही निकलती है। रामदेवरा में भादवा की दूज को विशाल मेला लगता है। इंदौर से आज निकली यात्रा लगभग एक माह में पूरी होगी। आज यात्रा में लगभग 300 भक्त जुलूस के रूप में रवाना हुए हैं। यात्रा का मार्ग में अनेक संस्थानों पर मंच लगाकर भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान भक्तों ने रामदेव बाबा के जयकारे भी लगाए। यात्रा में युवतियां भजनों पर थिरकती हुई चल रही थी। अशोक नरिया ने बताया कि यात्रा में विधायक संजय शुक्ला भी सम्मिलित हुए हैं और उन्होंने आयोजकों को इतनी विशाल पदयात्रा के लिए शुभकामनाएं देते हुए बधाई भी दी। खम्मा खम्मा ओ धनिया रूणी चेरा धनिया, धाने तो जावे आखो मारवाड़ो आखो गुजरात जमाल जीरा कावरा। खम्मा खम्मा ओ धनिया रूणी चेरा धनिया। रामदेव बाबा की यात्रा है, इसको 31 वर्ष होगा निकलते हुए लगातार। ये सबसे पुरानी यात्रा है और यहाँ से रामदेव वहाँ जाएगी और विश्व का सबसे बड़ा मेला भराता है। और इंदौर से सबसे लंबी दूरी है, चार भुजानाथ से भी बड़ी दूरी है ये, अगर 1000 किलोमीटर लंबी पड़ती है। इसमें अगर 250 से 300 लोग जा रहे हैं यात्रा के अंदर, तो ये लगातार एक मिनट तक चलेगी। इसमें रात दिन मतलब पूरी व्यवस्था कर रखी है। आचार्य ओम खत्री जी और उनकी सभी टीमों ने मिलकर मैं सबको शुभकामना देना चाहूँगा, आप सबकी मनोकामना पूर्ण हो। लेकर निकालते हैं लोग, वो पैदल जाते हैं, 31 साल से लगातार जा रहे हैं। और बहुत ही सिद्ध प्राचीन मंदिर है हमारा झिंसी हाट मैदान का। रामदेव जी का हर आदमी की मंशा पूर्ण होती है कि रामदेवरा के लिए हर साल निकलते हैं। और करीब 8 लाख लोग पूरे देश से पैदल चल रहे हैं इस यात्रा के लिए, जो भादो में दूस से मेला प्रारंभ होगा, जब 52-55 लाख आदमी हर साल इकट्ठा होता है। जय बाबा।